हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 32 तक डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ड्रिलिंग ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हमारा उसी सीरीज में लेक्चर नंबर 33 स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग जैसे लेक्चर नंबर 32 में हम लोगों ने ड्रिलिंग ऑपरेशन के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, तो आज हम लोग उस सीरीज में टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो हम ड्रिल मशीन पर कितने टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम ड्रिल मशीन पर जो वर्कपीस को होल्ड करते हैं तो उस होल्डिंग डिवाइस के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप की ड्रिल मशीन होल्डिंग डिवाइस होती है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, कंटिन्यू करते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो जैसा कि देखिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था, जो हमारा मशीनिंग टाइम और मेटल रिमूवल रेट और फीड निकालने से रिलेटेड था। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे पहले कुछ डिवाइस जो वर्कपीस को होल्ड करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, मतलब हमारा वर्कपीस जिसमें होल्ड किया जाता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होगा वर्कपीस होल्डिंग डिवाइस इन ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन में जो हम लोग वर्कपीस को होल्ड करने वाली डिवाइस का उपयोग करते हैं, सपोज करिए कि ये हमारे पास वर्कपीस हो, इस वर्कपीस की हमें ड्रिलिंग करनी है, इस वर्कपीस की ड्रिलिंग करनी है, तो अब इस वर्कपीस को हमें होल्ड भी करना होगा। अगर मजबूती से नहीं पकड़ेंगे, ये जो हम रेक्टेंगुलर वर्कपीस हैं तो इस तरीके से हम इसको वाइस पर आसानी से पकड़ सकते हैं, क्लैंप कर सकते हैं, चाहे यहाँ से मैग्नेटिक चक का यूज करके कर सकते हैं, चाहे दोनों किनारों पर वाइस का उपयोग करके हम कर सकते हैं। तो हमारा पहला जो डिवाइस होता है उसे हम बोलते हैं मशीन वाइस। दूसरी बात, अगर हमारे पास सपोज करिए सिलेंड्रिकल वर्कपीस हो, तो हम क्या वी ब्लॉक का उपयोग करते हैं। हमारे पास जैसे देखिए, ऐसे मान लीजिए कि ऐसा सिलेंड्रिकल वर्कपीस हो और इसमें हमें ड्रिलिंग करनी हो, तो उस समय हम क्या करेंगे, इस तरीके से ऐसा वी ब्लॉक का उपयोग करते हैं। ऐसा हम लोग वी ब्लॉक का उपयोग करेंगे, इस वी ब्लॉक पे इस वर्कपीस को रख कर होल्ड करेंगे, देन इस पर हम लोग ड्रिलिंग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होगा वो हमारा होगा वी ब्लॉक। अब वी ब्लॉक के बाद कुछ हम लोग टेम्पलेट्स का यूज करते हैं और कुछ हम लोग ड्रिलिंग जिग का यूज करते हैं। तो जैसे हमारे टेम्पलेट्स, ड्रिलिंग जिग जो हमारे जिग एंड फिक्सचर होते हैं, जैसे ये हमारा जिग की तरह अगर वर्क करेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे ड्रिलिंग जिग। उसके बाद हम लोग कुछ एंगल प्लेट का उपयोग करते हैं, सपोज करिए कि हमारा वर्कपीस कुछ इस तरीके से हो। अब इस वर्कपीस पर यहाँ पर ड्रिलिंग करनी हो या यहाँ पर ड्रिलिंग करनी हो, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लैंप नहीं किया जा सकेगा इस पर और इस पर, तब हम लोग सिमिलर इसी तरीके का एंगल प्लेट बनाएंगे। ऐसा हम लोग एंगल प्लेट बनाएंगे और इस एंगल प्लेट पर नट एंड बोल्ट से इसको हम लोग ऐसे टाइट कर देंगे यहाँ पर भी, देन हम लोग चाहे यहाँ पर ड्रिलिंग करें, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, आसानी से ड्रिलिंग हम लोग कर लेंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं एंगल प्लेट।
तो नेक्स्ट हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एंगल प्लेट। एंगल प्लेट तो इस तरीके से जब हमारा कोई वर्क पीस हो जो किसी एंगल पे, एंगुलर फॉर्म में कोई हमारा रेक्टेंगल वर्क पीस हो तो उसे हम लोग पकड़ने के लिए एंगल प्लेट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास स्ट्रेप प्लेट होती हैं। स्ट्रेप प्लेट तो जब स्ट्रेप टाइप का हमारा, स्ट्रेप मतलब पत्ती टाइप का हमारा कोई वर्क पीस हो, पत्ती टाइप का यानी कि स्ट्रेप टाइप का हमारा वर्क पीस हो तो उसे होल्ड करने के लिए हम लोग स्ट्रेप प्लेट का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे इतने एलिमेंट यूज किए जाते हैं ड्रिलिंग मशीन में। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मतलब ड्रिलिंग मशीन पर कितने टाइप के ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं तो उसे जान लेते हैं, ऑपरेशन इन ड्रिलिंग मशीन। अच्छा, कभी कभी एक टी बोल्ट का भी उपयोग कर लेते हैं, नट बोल्ट की तरह एक टी होता है उस टी को हम लोग टाइट कर लेते हैं तो उसका भी उपयोग हम लोग कर लेते हैं, जान लीजिएगा। टी बोल्ट नट बोल्ट से कसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, ऑपरेशन इन ड्रिलिंग मशीन। ऑपरेशन इन ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन पर हम लोग कौन कौन से ऑपरेशन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले ड्रिलिंग मशीन पे हम लोग ड्रिलिंग कर लेते हैं, तो पहला ऑपरेशन हम लोग ड्रिलिंग कर लेते हैं। दूसरा ऑपरेशन हम लोग जब उस होल के साइज को इनलार्ज करना हो तो हम बोरिंग टूल को बांध लेंगे और ड्रिल बिट को हटा लेंगे तो उस तरह वहां पे क्या हो जाएगा, बोरिंग ऑपरेशन हो जाएगा। अब बोरिंग के बाद अगर उस होल को और ज़्यादा इनलार्ज करना हो और उसकी सरफेस फिनिश को बढ़ानी हो तो हम लोग काउंटर बोरिंग या रीबोरिंग कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा काउंटर बोरिंग। अब उसकी सरफेस फिनिश को और ज़्यादा स्मूथनेस देने के लिए हम बोरिंग टूल को ओपन करके रिमर टूल को लगा देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमिंग ऑपरेशन। रिमिंग ऑपरेशन अब हम लोग रिमिंग ऑपरेशन के बाद अगर उसके नट बोल्ट के साइज को फिट करना हो तो वहाँ पर क्या करेंगे, काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन हम लोग कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि किसी प्लेट पर होल अगर बनाना हो तो ड्रिलिंग हो जाएगा, उस होल के व्यास को और बड़ा करना हो बोरिंग हो जाएगा, और दोबारा बोरिंग के बाद जब दोबारा रीबोरिंग करते हैं तो वो कहलाती है काउंटर बोरिंग। नेक्स्ट उस होल को, बोरिंग के होल को या ड्रिलिंग के होल के सरफेस को फिनिश करने के लिए हम किसका, रिमर टूल का उपयोग करते हैं तो वो रिमिंग ऑपरेशन कहलाता है। अब बात करते हैं काउंटर सिंकिंग क्या होता है। यह सपोज करिए कि ये हमारे पास इस तरीके का वर्क, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ऐसा वर्क पीस हमारे पास हो, जब हमने ऐसा इसको होल बना दिया था, अब इस पर नट बोल्ट हमें फिक्स करना है तो जो स्क्रू की बॉडी है, जैसे स्क्रू हमारा ऐसा अगर बना हो, अब स्क्रू की इस बॉडी को फिट करने के लिए इस होल को हम ऐसा बना दें तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर हम दे रहे हैं इसी स्ट्रक्चर को हम लोग काउंटर सिंकिंग कहते हैं। तो इस तरीके से काउंटर सिंकिंग हम कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग इट स्पॉट फेसिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा होता है स्पॉट फेसिंग। उसके बाद अगला ऑपरेशन हम लोग ट्रिपेनिंग ऑपरेशन इसमें कर लेते हैं।
ट्रिपेनिंग ऑपरेशन में भी हमारा एक वर्क पीस होता है और उस पर हम लोग होल को करते हैं, तो इस तरीके का ऑपरेशन को हम लोग ट्रिपेनिंग कहते हैं। इसके ऑपरेशन को हम अलग से आपको डिस्कस करेंगे। तो ये सारे ऑपरेशन हम लोग ड्रिलिंग मशीन पर परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ड्रिलिंग मशीन पर, जो हम लोगों ने ड्रिल बिट के बारे में पढ़ा था, तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने ड्रिल बिट के बारे में पढ़ा था, तो उस ड्रिल बिट के सारे एंगल के बारे में हम लोग अब एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से एंगल होते हैं और वो किसके किसके बीच बनते हैं और उनकी वैल्यू कितनी होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिल बिट हम लोग पढ़ेंगे। ड्रिल बिट के स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक टेपर सेंग का हम लोग ड्रिल बिट बना दे रहे हैं, है ना, इस तरीके से। एक टेपर सेंग का हम लोग ड्रिल बिट बना दे रहे हैं। ये कुछ ऐसा बना दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। ये ऐसा जाएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये कुछ ऐसा रहेगा। ये वाला जो ड्रिल बिट जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, और यहाँ से ये ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा होता है, और यहाँ से ऐसा जाएगा। तो यहाँ से ये जो हमारे बनते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं फ्लूट। अब इन फ्लूट पर ये जो हमारे पास बनते हैं, ये कहलाते हैं ड्रिल पॉइंट एंगल। और उसके बाद यहाँ से एक लाइन सीधी जाए और एक लाइन इसके थ्रू होकर जाती है, तो यहाँ पर जो एंगल हमारा बनता था, इसी को हम लोग हेलिक्स एंगल या रैक एंगल कहते थे। हेलिक्स एंगल और रैक एंगल, ये हमारा होता था। यहाँ पर हमारे फ्लूट कटे होते थे। तो थोड़ा सा हम लोग पहले फ्लूट के बारे में जान लेते हैं कि फ्लूट हमारा क्या होता है। स्पेसिफिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग पहले पॉइंट वन फ्लूट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ड्रिलिंग बिट पर बेसिकली फ्लूट क्यों दिया जाता है, तो जब हम कटिंग करते हैं तो चिप्स को ईजिली बाहर रिमूव करने के लिए फ्लूट को दिया जाता है, है ना। फ्लूट आर प्रोवाइड ऑन ड्रिल बिट टू रिमूव टू फ्लो द चिप्स ईजली। चिप्स को ईजली फ्लो करने के लिए हम फ्लूट को देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है, अब चिप्स को ईजली फ्लो करेगा, प्लस अगर यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी वर्क पीस में, तो उस हीट को कम करने के लिए इधर से हम कूलेंट को भी देंगे, है ना, टू प्रोवाइड कूलेंट। कूलेंट प्रोवाइड किया जाता है बाय द फ्लूट। फ्लूट के माध्यम से हम कूलेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारी हीट कंट्रोल हो जाए। तीसरा, अब देखें जो ये फ्लूट हमारे बनते हैं, ये कुछ इस तरीके के बनते हैं। तो चिप्स हमारी इन्हीं से ऐसे होकर रिमूव होती है, तो अगर ये फ्लूट हमारे ऐसे बने तो चिप्स ऐसे टकरा के निकलेगी, और ऐसे बनेंगे तो चिप्स ऐसे जाएगी। तो चिप्स को इजी फ्लो देता है, इसका मतलब
यहाँ पर जो रैक एंगल बनता है या जो यहाँ पर हेलिक्स एंगल बनता है जिससे चिप्स हमारी इजली प्रोवाइड होती है, अगर ये कुछ ऐसा बन जाए तो यहाँ से चिप्स और कठिनाई से प्रोवाइड होगी, ऐसा बन जाए तो कम कठिनाई से, लेकिन अगर ऐसा बन जाए तो चिप्स ऐसी प्रोवाइड होगी। तो इस तरीके से जो हमारा फ्लूड बनता है वो रैक एंगल को भी बनाने के लिए बनता है। फ्लूड आर, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, फ्लूड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रैक एंगल। प्रोड्यूसिंग रैक एंगल। तो इस तरीके से इस ड्रिल बिट में हम लोग फ्लूड को देते हैं जो हमारा इतना एडवांटेज होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ये जो फ्लूड हमारा होता है, देखें एक तो हमारा राइट हैंड साइड टर्न फ्लूड होता है और एक लेफ्ट हैंड साइड टर्न फ्लूट होता है और एक फ्लैट फ्लूट होता है ना। जो ट्विस्ट ड्रिल होता है उसमें या तो राइट हैंड फ्लूट होगा या लेफ्ट हैंड फ्लूट होगा। और उसके बाद जो हमने आपको एक और ड्रिल बिट बताई थी वो हमने ऐसी ड्रिल बिट बताई थी कि ऐसी ड्रिल बिट हमारी हो इस तरीके की, तो इसे हम लोग बोलते थे स्ट्रेट फ्लूट या पैरेलल फ्लूट। तो हमारा जो फ्लूट करते हैं उनकी कटिंग के डिजाइन के आधार पर वो कितने टाइप के होते हैं, या तो राइट हैंड फ्लूट होंगे या लेफ्ट हैंड फ्लूट होंगे। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्लूट टाइप। या तो फ्लूट हमारे राइट हैंड होंगे, राइट हैंड फ्लूट, और सेकंड हमारा होगा लेफ्ट हैंड फ्लूट, और थर्ड हमारा होगा पैरेलल फ्लूट। राइट हैंड फ्लूट का उपयोग हमारा मैक्सिमम मटेरियल को रिमूव करने के लिए किया जाता है, मतलब हार्ड मटेरियल को रिमूव करने के लिए राइट हैंड फ्लूट का उपयोग करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए लेफ्ट हैंड फ्लूट का उपयोग करते हैं, और जब जीरो रैक एंगल होता है तो वहाँ पर पैरेलल फ्लूट का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लूट को पढ़ते हैं जिसमें राइट हैंड फ्लूट होता है, लेफ्ट हैंड फ्लूट होता है और हमारा पैरेलल फ्लूट होता है। तो इस तरीके से हमारा राइट हैंड फ्लूट का उपयोग हार्ड मटेरियल को रिमूव करने के लिए और लेफ्ट हैंड फ्लूट का उपयोग सॉफ्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा हो गया ऐसे। चलिए अच्छा, इसके बाद फ्लूट एंगल देखिए। फ्लूट एंगल, फ्लूट एंगल जो हमारा होगा वो कैसे होगा, देखें ये जो फ्लूट एंगल बनेगा यहीं पर हमारा ये हेलिक्स एंगल या रैक एंगल बनता है, इसी को हम लोग फ्लूट एंगल बोलते हैं। हेलिक्स और रैक एंगल इज कॉल्ड फ्लूट एंगल। और ये हमारा जो बनता है एंगल मेड बिटवीन, इसी को हम लोग दूसरी हेडिंग डाल दे रहे हैं ताकि यहाँ से हमारा वो भी कंप्लीट हो जाए। हेलिक्स एंगल ऑब्लिक में रैक एंगल, तो यहीं से हमारा हेलिक्स एंगल और रैक एंगल दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखिए ये जो फ्लूट हमारे बनते हैं इस तरीके के, तो ये जो एंगल बन रहा है एक एंगल हमारा इस फ्लूट से पास होकर जाएगा और एक लाइन हमारी इस सैंग के एक्सिस से पास होकर जाएगी, दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसे हम फ्लूट एंगल
या हेलिक्स एंगल कहते हैं। तो हेलिक्स एंगल और रैक एंगल इज कॉल्ड फ्लूट एंगल एंड इट इज मेड बिटवीन, यह बनता है लाइन पासिंग थ्रू द फ्लूट एंड लाइन पासिंग थ्रू द फ्लूट एंड लाइन एक्सटेंडिंग, हम क्या करेंगे यहाँ टिप्स लाइन को एक्सटेंड करेंगे किसका, पैरेलल एक्सिस ऑफ सेंग, लाइन एक्सटेंडिंग पैरेलल एक्सिस ऑफ सेंग। अब इसमें जो हमारा ये रैक एंगल होता है वो तीन तरीके का बनेगा, ये देखिए ऐसा फ्लूट हमारा जाएगा तो ये क्या है पॉजिटिव रैक एंगल होता है, और अगर ऐसा फ्लूट जाएगा तो चिप्स ऐसी जाएगी निगेटिव रैक एंगल होगा, अगर ऐसा फ्लूट जाएगा तो चिप्स ऐसी जाएगी सॉरी ये जीरो रैक एंगल होगा और ये निगेटिव रैक एंगल होगा। तो इस तरीके से तीन तरीके के हमारे रैक एंगल बनते हैं, पहला बनेगा पॉजिटिव रैक एंगल, देखें ये जो फ्लूट हमारे होंगे टाइप्स ऑफ हेलिक्स एंगल हेलिक्स एंगल और रैक एंगल। तो हेलिक्स और रैक एंगल के टाइप तो हमारे तीन कैटेगरी के होते हैं, पहला हमारा होता है जीरो रैक एंगल नहीं पॉजिटिव रैक एंगल, सेकंड हमारा होता है जीरो रैक एंगल और थर्ड हमारा होता है नेगेटिव रैक एंगल। अब इससे हम लोग मैच करा देते हैं, देखिए राइट हैंड फ्लूट पॉजिटिव रैक एंगल पर बने होते हैं और लेफ्ट हैंड फ्लूट नेगेटिव रैक एंगल पर बने होते हैं और पैरेलल फ्लूट जीरो रैक एंगल पर होते हैं, ये याद रखिएगा आप। पॉजिटिव रैक एंगल पे हमारे राइट हैंड फ्लूट बने होंगे और जीरो रैक एंगल पर पैरेलल फ्लूट हमारे बने होंगे और नेगेटिव रैक एंगल पर हमारे लेफ्ट हैंड तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने इसका पूरा कंपेरिजन किया, ये जो हमारे फ्लूट बने होंगे वो कैसे बने होंगे, राइट हैंड मतलब राइट साइड में हमारी कटिंग होगी, लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट साइड में घुमाने पर कटिंग होगी, और पैरेलल फ्लूट मतलब कैसे होंगे पैरेलल होंगे। तो उनको हमने जब इसके साथ कैटेगराइज किया रैक एंगल के साथ तो ये कैटेगरी हमारी निकल के आई, इसे नोट करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं और ड्रिल पॉइंट एंगल हमारा क्या होता है तो उसको नोट करिए, फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी ड्रिल पॉइंट एंगल। चलिए कभी कभी इसका आपका मटेरियल के साथ बगैर कंपैरिजन करवा लें, ऐसा एग्जाम में पूछ ले कि राइट हैंड फ्लूट किस मटेरियल के लिए यूज किया जाएगा, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हार्ड मटेरियल के लिए और लेफ्ट हैंड फ्लूट सॉफ्ट मटेरियल के लिए और पैरेलल फ्लूट आपका जीरो रैक एंगल के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा राइट हैंड फ्लूट हार्ड मटेरियल और निगेटिव फ्लूट हमारा हो जाएगा सॉफ्ट मटेरियल सॉफ्ट मटेरियल। तो इस तरीके से अगर मटेरियल के अकॉर्डिंग हमारा पूछा जाए
तो यह हो जाएगा। पावर की बात करेंगे तो जिसमें हार्ड मटेरियल होगा उसमें पावर ज़्यादा लगेगी, सॉफ्ट मटेरियल को काटने में कम पावर लगेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हाई पावर कंजप्शन और सॉफ्ट के लिए क्या होगा, लोअर पावर कंजप्शन। तो इस तरीके से हमारा हाई पावर कंजप्शन और लोअर पावर कंजप्शन हमारा होगा। जब हार्ड मेटल को काटेंगे तो हाई पावर कंजप्शन होगा और सॉफ्ट मेटल को काटेंगे तो लोअर पावर कंजप्शन होगा। तो इसीलिए ये हमारा कंपेरिजन हो जाएगा फ्लूट एंगल या हेलिक्स एंगल या रैक एंगल के बारे में। और फ्लूट हमारा होता क्या है, जो हम इसमें चिप्स को इजी फ्लो बाहर कराने के लिए, कूलेंट को अंदर भेजने के लिए या रैक एंगल को प्रोवाइड कराने के लिए देते हैं, उसी को हम लोग फ्लूट कहते हैं। तो चलिए इस फ्लूट को नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एंगल आपका पॉइंट एंगल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा एंगल होगा पॉइंट एंगल। देखिए यहां पर ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम लोग पॉइंट एंगल कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा होता है पॉइंट एंगल। ये जनरली इसकी वैल्यू 128 लिया जाता है, पॉइंट एंगल की जनरली वैल्यू 128 डिग्री ली जाती है। मतलब ये इसे हम बोलते हैं 2 अल्फा बराबर 128 डिग्री, ये होता है फॉर जनरल। जनरली हमारा 128 डिग्री लिया जाता है। और पॉइंट एंगल को हम लोग लिप एंगल के नाम से भी जानते हैं, इट इज कॉल्ड कॉल्ड लिप एंगल। और ये हमारा किसके किसके बीच बनता है, देखिए ये हमारी कटिंग एज होती है और ये उसका हमारा क्या होता है, फ्लैंक होता है। तो हम लोग जानते हैं फेस और फ्लैंक के बीच बनता है, तो इट इज मेड बिटवीन फेस ऑफ कटिंग एज। ये मान लीजिए हमारी कटिंग एज हो जाए तो ये हम कहलाएगा हमारा फेस ऑफ कटिंग एज एंड फ्लैंक ऑफ ड्रिल बिट एंड फ्लैंक ऑफ ड्रिल बिट। तो इस तरीके से हमारा ये पॉइंट एंगल या लिप एंगल होता है। हार्ड मटेरियल के लिए हमारा इसकी वैल्यू 136 डिग्री होता है और जनरली इसकी वैल्यू 128 डिग्री होती हैं। 128 डिग्री हमारा जनरल लिप एंगल की वैल्यू होती है और सिंपल इसकी वैल्यू हमारी इस तरीके से होती है, 135 डिग्री हमारी होती है, 118 डिग्री हमारी होती है हार्ड और ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो इसकी वैल्यू भी हम लोग नोट कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे फॉर हार्ड मटेरियल, फॉर हार्ड मटेरियल ये होता है 136 डिग्री, 136 डिग्री होता है। और दूसरा होता है फॉर सॉफ्ट मटेरियल, इसकी वैल्यू होती है 118 डिग्री, 118 डिग्री होती हैं। और फॉर पैरेलल फ्लूट, जो पैरेलल फ्लूट हमारे होते हैं, फॉर पैरेलल फ्लूट के लिए हमारा
इसकी वैल्यू होती है लगभग 90 डिग्री होती हैं। तो इस तरीके से हम इस फ्लूड को स्पेसिफाई करते हैं, जिसका एंगल हमारा कितना होता है 128 डिग्री। जनरल केस में अगर पूछा जाए, स्पेशल केस में हार्ड मटेरियल के लिए 136 डिग्री, सॉफ्ट मटेरियल के लिए 118 डिग्री और पैरेलल फ्लूड के लिए 90 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल हमारा होगा, हम इसकी बात कर रहे थे। चलिए, तो इस तरीके से ये हमने स्पेसिफाई किया आपका फ्लूड एंगल के बारे में। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्लियरेंस एंगल और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं क्लियरेंस एंगल के बारे में। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी क्लियरेंस एंगल। इसी को हम लोग रिलीफ एंगल के नाम से भी जानते हैं। रिलीफ एंगल या क्लियरेंस एंगल, जनरल इसकी वैल्यू 8 से 15 डिग्री हम लेते हैं। जनरली इसकी वैल्यू हम 8 से 15 डिग्री लेते हैं और कहीं कहीं आपका 20 डिग्री भी लिया जाता है। तो देखिए कहाँ पे होता है क्लियरेंस एंगल, जब ये मटेरियल को कट कर रहा होगा तो उस समय ये वाली फेस हमारी वर्कपीस से ना टच करे, उस एंगल को हम लोग, ये वाला जो हमें एंगल दिखाई देता है इसी को हम लोग क्लियरेंस एंगल कहते हैं, ताकि कटिंग के बाद वर्कपीस पर हमें टच ना करना पड़े, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। टू अवॉइड द रबिंग, मतलब हम वर्कपीस से रबिंग को अवॉइड करते हैं। और कौन सी सरफेस को रबिंग से अवॉइड करते हैं? रैक सरफेस नहीं, फ्लैंग सरफेस को। तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं टू अवॉइड द रबिंग, अवॉइड रबिंग बिटवीन मशीन्ड सरफेस ऑफ वर्कपीस एंड फ्लैंग सरफेस ऑफ ड्रिल बिट। गिवेन क्लियरेंस एंगल। अब ये एंगल जो बनता है हमारा, देखें एक लाइन हमारी अगर हम इसके पीछे से देखें तो इस एक्सिस के ऐसे पैरेलल जाएगी, या हम इधर से देखें तो नॉर्मल जाएगी, और ये हमारी कहाँ से जाएगी? फ्लैंक फेस से जाएगी। तो लाइन पासिंग नॉर्मल टू एक्सिस ऑफ सैंक एंड लाइन पासिंग थ्रू द सैंक ऑफ ड्रिल बिट। एंगल मेड बिटवीन लाइन पासिंग नॉर्मल टू सैंक एंड ये जो लाइन हमारी पास करेगी, ये इस सैंग के नॉर्मल पास करेगी, और ये वाली जो लाइन हमारी पास करेगी ये हमारी इस रैक फेस के, मतलब कौन से, ये रैक हो गई हमारी फ्लैंग फेस के थ्रू सैंग एंड लाइन पासिंग थ्रू द सैंक।
तो इस तरीके से इसके बीच में बने कोड को हम लोग क्लियरेंस एंगल कहते हैं। तो अब ये हमारा क्या होता है, क्लियरेंस एंगल हमारा जो वर्कपीस के नॉर्मल जाता है एक्सिस के और सैंड से होता हुआ जाता है, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। और इसकी वैल्यू जनरली हम लोग 8 से 15 डिग्री लेते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग जनरली 8 से 15 डिग्री लेते हैं। तो द जनरल वैल्यू ऑफ क्लियरेंस एंगल इज द वैल्यू ऑफ क्लियरेंस एंगल इन जनरल कितने लेते हैं, 8 से 15 डिग्री के बीच में इसकी वैल्यू को रखते हैं। तो ये हमारा होता है सिंपल सा क्लियरेंस एंगल। अच्छा, रैक एंगल की भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है। चलिए ये ठीक है, यहाँ मैंने स्पेसिफाई कर दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्लियरेंस एंगल भी कंप्लीट होता है। क्लियरेंस एंगल के बाद हम लोग नेक्स्ट एंगल पढ़ेंगे। जैसे हमारा देखिएगा, पॉइंट एंगल हमने डिस्कस किया, पॉइंट एंगल के बाद हमने हेलिक्स एंगल को डिस्कस किया, हेलिक्स एंगल के बाद हमने क्लियरेंस एंगल को डिस्कस किया। तो लगभग यही एंगल आपका इसमें पूछा जाता है ड्रिल बिट में, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो इसके आगे डिस्कशन करने की ज़रूरत अभी नहीं है। हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलिए आगे का पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं ड्रिलिंग मशीन के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखें टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन, मतलब ड्रिलिंग मशीन हमारी कितने प्रकार की होती है। जैसे हम लोगों को एक जगह पर ही मशीनिंग करना है तो वहाँ पर हम लोग रेडियल आर्म ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं, अपराइट ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं, यूनिवर्सल ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं, गैंग ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं, मल्टी स्पिंडल या डीप होल ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से होता है। और अगर हमें पोर्टेबल करना हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर ड्रिलिंग करनी हो, तो हम लोग कौन सा पोर्टेबल ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूज हम ड्रिल मशीन को क्लासिफाइड करते हैं। तो ड्रिल मशीन, टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन अकॉर्डिंग टू यूज, तो जो हम लोग इसे क्लासिफाइड करेंगे, तो हम लोग पहला जो पॉइंट हमारा होगा वो हमारी कौन सी होगी, सेंसिटिव और बेंच टाइप ड्रिल मशीन। सेंसिटिव और बेंच टाइप ड्रिल मशीन, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा, देखिए सेंसिटिव टाइप ड्रिल मशीन या बेंच टाइप ड्रिल मशीन, ये दोनों एक ही होती है। नेक्स्ट हमारा होता है रेडियल ड्रिल मशीन। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है रेडियल ड्रिल मशीन। जैसे सेंसिटिव टाइप ड्रिल मशीन में हमारा क्या होता है कि इस तरीके से कॉलम बना होगा और यहाँ पर हमारा ऐसा, हम लोग ऐसे वर्कपीस को फिक्स कर देंगे, यहाँ पर हम लोग वर्कपीस को रखेंगे और ये हमारा बेड कहलाएगा। देन यहाँ पर हम लोग ड्रिल बिट को ऐसे इस पर फिक्स कर देंगे, तो जब यह ड्रिलिंग होगी तो इसे हम आसानी से कर पाएंगे। ये सब ऑटोमेटिक ड्रिल मशीनें होती हैं, तो इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं सेंसिटिव या बेंच टाइप ड्रिल मशीन। दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि अगर इस होल को देखें, अब ये केवल ऊपर नीचे बस ऐसे जा सकता है, अगर इसे इस डायरेक्शन में भी ले जाना हो
तो उस समय हम लोग कौन से ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं? रेडियल ड्रिल मशीन। मतलब एक प्लेट पर यहाँ पर होल, अगर इसमें जब ये सेंसिटिव होगी तो यहाँ होल बन जाएगा, तो वर्कपीस को इस डायरेक्शन में खिसकाना होगा। लेकिन अगर ये रेडियल ड्रिल मशीन होगी तो वर्कपीस को फिक्स करने पर केवल ड्रिल मशीन ही इस तरह से हमारी खिसकती जाएगी और हमारी मशीनिंग होती जाएगी। तो इस तरीके की ड्रिल मशीन को हम लोग बोलते हैं रेडियल ड्रिल मशीन। अब इसके बाद हम लोग की नेक्स्ट आती है पोर्टेबल ड्रिल मशीन। नेक्स्ट जो हमारी आती है पोर्टेबल ड्रिल मशीन। नेक्स्ट हमारी जो आती है, अब पोर्टेबल के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमें मल्टी होल बनाने हो एक वर्क पीस में, तो हम लोग गैंग ड्रिल मशीन का उपयोग करेंगे। गैंग ड्रिल मशीन। अब गैंग ड्रिल मशीन के बाद एक साथ कई स्पिंडल हमें सेट करना हो तो मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन। मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन। अब मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन के बाद जब हमें डीप होल करना हो, जैसे बंदूक की नली वगैरह बनानी होती है, तो वहाँ पर डीप होल ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। डीप होल ड्रिल मशीन। डीप होल के बाद अब हमें एक टरेट अगर हम यूज कर लें और उस टरेट पर कई सारे ड्रिल मशीन को फिट कर दें, इस तरीके का टरेट, एक ड्रिल बिट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक साथ ड्रिल बिट पे कई सारे हम ड्रिल बिट को बांध सके। एक टरेट पर एक से अधिक ड्रिल बिट को बांधेंगे। मान लीजिए किसी में ड्रिल टूल बांध दिया, किसी में बोरिंग टूल बांध दिया, किसी में सिंकिंग टूल बांध दिया, किसी में ट्रिपैनिंग टूल बांध दिया, तो हमने क्या, यहाँ वर्कपीस हमने रखा, ये हमने यहाँ पे वर्कपीस रखा। अब इसको हमने घुमाया थोड़ा सा, ये वाला इसके सामने आ गया। वर्किंग करने के बाद इसको घुमाया, ये वाला सामने आ गया। तो अलग अलग टाइप के ड्रिल टूल को एक हम किस पे बांधते हैं, टरेट पर बांधते हैं। तो ऐसी ड्रिलिंग को हम लोग टरेट ड्रिल मशीन के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है टरेट ड्रिल मशीन। अब टरेट ड्रिल मशीन के बाद नेक्स्ट हमारा होता है ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन। ऑटोमेटिक का मतलब जब हम ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो कभी कभी हम लोग वर्कपीस को मैनुअली सेट करते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन में हमारे वर्कपीस को मैनुअल सेट नहीं किया जाता है, वो ड्रिल मशीन ही आकर हमारे वर्कपीस को सेट करती है। तो इस तरीके से हमारी ड्रिलिंग आसानी से कंप्लीट हो जाती है। ऐसी ड्रिल मशीन को हम लोग ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद एक और लास्ट में हमारी ड्रिल मशीन बचती है जिसे हम लोग अपराइट ड्रिल मशीन के नाम से जानते हैं। तो हमारी लास्ट ड्रिल मशीन होती है अपराइट ड्रिल मशीन। तो इतनी ड्रिल मशीन का उपयोग हम लोग करते हैं। अब इससे जो क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन आपका हर ड्रिल मशीन से बन जाता है कि हम लोग सेंसिटिव ड्रिल मशीन से कैसी ड्रिलिंग करते हैं, पोर्टेबल ड्रिल मशीन से कैसे करते हैं, गैंग ड्रिल मशीन से कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग विथ डायग्राम वन बाय वन ड्रिल मशीनिंग को आपको समझते हैं कि हमारी ड्रिल मशीनें सारी कैसी यूज की जाती हैं। तो देखिए हम लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग इनको समझेंगे। अब इसे रिमूव किया जाए। देखिए ड्रिल मशीन आपका, ड्रिल जो हम लोग अभी जो टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, मिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन एसएससी जेई से रिलेटेड कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इन सारे ऑपरेशंस पे
जब आप अदर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम दीजिए, जैसे आप यूपी आरबीएनएल का दीजिए, यूपी ट्रिपल एससी का दीजिए, एमपी सब इंजीनियर का दीजिए, उत्तराखंड एसएससी का दीजिए, तो इस तरीके से अदर स्टेट इंजीनियरिंग में इनका वेटेज होता है, ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इनको भी हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग वन बाय वन ड्रिल मशीन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पहली हेडिंग डाली थी, कौन सी ड्रिल मशीन? सेंसिटिव और बेंच टाइप ड्रिल मशीन। तो इसको हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए पहली हेडिंग हमारी है सेंसिटिव और बेंच टाइप ड्रिल मशीन। इसमें कैसा हम लोग बनाते हैं, देखिए एक हमारे पास इस तरीके का कास्ट आयरन का हम लोग बेड लेते हैं और उसको एक कॉलम से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से एक कास्ट आयरन का बेड लेंगे और इस बेड को एक कॉलम से कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम पर ऐसा हम लोग इसको बनाएंगे, यहाँ पर ऐसा जब बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग एक मोटर लगाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग एक मोटर लगा देते हैं। अब इस मोटर से देखें बेल्ट ड्राइव सिस्टम हम लोग दे देते हैं, चाहे गियर ड्राइव सिस्टम दे देते हैं, इस तरीके से दे दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक पुली लगाते हैं और ये बेल्ट हमारा इसके ऊपर से ऐसे रोप कर जाता है। देन हम लोग यहाँ पर उस पुली को कनेक्ट कर देते हैं इस सिस्टम से। अब यहाँ से ये जो बेल्ट हमारा जाएगा, ये बेल्ट हमारा कुछ ऐसे आकर इससे कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा बेल्ट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये बेल्ट हमारा ऐसे रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो इस पुली को ऐसे रोटेट कराएगा। अब ये पुली हमारी रोटेट करेगी, है ना, ये हो जाएगी पुली। फिर इस पुली से हम लोग क्या करेंगे, एक शाफ्ट को ऐसे आगे प्रोड्यूस कराएंगे और ये जो शाफ्ट हमारी जाएगी, इसी शाफ्ट पे हम लोग अपना, देखें यहाँ सेंसिटिव या बेंच टाइप ड्रिल मशीन था, तो इसी शाफ्ट पे हम लोग ड्रिल बिट को फिक्स कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इस तरीके से इस पर ड्रिल बिट को फिक्स करते हैं। ऐसे ड्रिल बिट को हम लोग, सॉरी, ये मान लीजिए हमारा ड्रिल बिट हो गया। अब यहाँ पर जब ये रोटेट करेगा तो ये ड्रिल बिट भी हमारा ऐसे रोटेट करेगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेबल लगाएंगे, इस तरीके से एक टेबल लगाएंगे और इस टेबल को हम लोग इससे कनेक्ट कर देंगे। किससे कनेक्ट कर देंगे, सॉरी, इस टेबल को हम लोग इस कॉलम से कनेक्ट कर देंगे। फिर इस टेबल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अपने वर्कपीस को रखेंगे।
ऐसा हमारा ये वर्क पीस होगा। अब आसानी से जब ये क्या होगा, इसको ऐसा कनेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर एक हैंडल होता है, इस तरीके से मैन्युअली इसे ऑपरेट करने के लिए एक हैंडल होता है। अब इस हैंडल से ऐसे हम घुमाते हैं तो ये नीचे की ओर जाता है, ऐसे घुमाते हैं तो ये ऊपर की ओर जाता है। तो इस तरीके से इस ड्रिल बिट की हम डायरेक्शन को ऊपर और नीचे सेट कर लेते हैं। ऐसे ड्रिल मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल बेंच टाइप या सेंसिटिव ड्रिल मशीन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारी होती है मोटर और ये हो गया हमारा बेल्ट, ये हो गया हमारा टेबल, ये हमारा हो गया बेस और ये हो गया कॉलम। तो इस टाइप से ये ड्रिल मशीन हमारी कंप्लीट होती है। इस ड्रिल मशीन को हम लोग सेंसिटिव या बेंच टाइप ड्रिल मशीन कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें देखिए एक टेबल लगा हुआ है, इस टेबल पर यहाँ हमने वर्कपीस को पुट किया और ड्रिल मशीन बार बार यहाँ पे दूसरा वर्कपीस लाएंगे, रखेंगे, इसको हम लोग घुमाएंगे तो ये नीचे की ओर जाएगा और ये ड्रिल बिट हमेशा रोटेट करता रहेगा। तो इस तरीके से आसानी से ड्रिलिंग हमारी हो जाएगी। अब इसमें जो हमारा ड्रिलिंग होता है वो कैसे होता है, एक वर्कपीस पे एक बार में हम एक होल बनाएंगे, फिर दूसरा होल बनाने के लिए वर्कपीस को हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट करना होगा, तब हम आसानी से होल को बना पाएंगे। इसका मतलब ये हमारा लाइट ड्यूटी के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा क्या होता है, वन होल, देखें सिंगल होल प्रोड्यूस इन वन टाइम, एक बार में हमारा इसमें सिंगल होल ही प्रोड्यूस हो पाता है। उसके बाद जब अनदर होल को प्रोड्यूस कराना होगा तो हम क्या करेंगे, वर्कपीस को अपने पोजीशन से शिफ्ट करेंगे। फॉर प्रोड्यूसिंग अनदर होल वर्कपीस कैन बी शिफ्टेड, वर्कपीस को हम शिफ्ट करेंगे। अब ये जो हमारा स्पिंडल चल रहा है इसे हम लोग स्पिंडल बोलते हैं और ये हमारा क्या होता है, ड्रिल बिट होता है। तो चाहे स्पिंडल की बात करें चाहे ड्रिल बिट की बात करें, दोनों का जो हमारा स्पीड होता है आरपीएम ऑफ, ऐसे देखिए स्पीड अगर सेंसिटिव या बेंच टाइप ड्रिल मशीन है, मतलब सिंपल सी ड्रिल मशीन है, तो यह हमारा होगा 800 से 900 आरपीएम। सेकेंड बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, इस पे जो होल प्रोड्यूस किया जाता है वो कितने एमएम व्यास तक मैक्सिमम यूज किया जाता है। तो वन पॉइंट देखें, डाया ऑफ होल इज 1.5 to 15 mm आर प्रोड्यूसिंग, हम क्या करेंगे 15 mm तक मैक्सिमम होल को इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब इससे ज्यादा बड़े होल को बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियल ड्रिल मशीन का उपयोग कर लेंगे। मतलब ये हमारी लाइट ड्यूटी मशीन होती है, इट इज लाइट ड्यूटी मशीन, ये हमारी लाइट ड्यूटी मशीन होती है, हल्के कार्य को करने के लिए की जाती है और इस मशीन को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस मशीन को हम लोग बोलते हैं इस मशीन को बोलते हैं सेंसिटिव और बेंच टाइप ड्रिल मशीन।
अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जब और बड़े साइज के होल को बनाना हो तो उस समय रेडियल ड्रिल मशीन का उपयोग करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट ड्रिल मशीन डिस्कस करने चल रहे हैं, रेडियल ड्रिल मशीन। रेडियल ड्रिल मशीन क्या है? त्रिज्यी ड्रिल मशीन होती है, मतलब ये एक्सिस में एक वर्कपीस हमारा होगा, उस वर्कपीस पर हैवी साइज के होल को भी प्रोड्यूस कर सकता है और उसके बाद एक साथ कई सारे होल को, मतलब बिना वर्कपीस को खिसकाए एक बार यहाँ होल बनाएगा, फिर इसे पीछे ले आएंगे यहाँ बनाएगा और पीछे ले आएंगे यहाँ बनाएगा और पीछे ले आएंगे यहाँ बनाएगा, तो एक वर्कपीस को बिना मोमेंट दिए उस पर मल्टीपल होल को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसी ड्रिल मशीन को हम लोग रेडियल ड्रिल मशीन के नाम से जानते हैं। चलिए इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं, रेडियल ड्रिल मशीन हमारी कैसी होती है, तो उसके लिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। इसमें भी लगभग सब कुछ हमारा वही होता है, जैसे देखिए एक हम लोग बेस बना लेते हैं इस तरीके का, एक हमारा बेस होता है, बेस के बाद इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं। देखिए इस तरीके का हमारा सपोज करिए एक बेस बन जाता है। अब बेस हमारा कास्ट आयरन का बनता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम मशीनों का क्या, लगभग सभी मशीनों का बेस और बॉडी कास्ट आयरन की बनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें सेल्फ लुब्रिकेटेड प्रॉपर्टी होती है और शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक कॉलम बनाते हैं, यहाँ पर एक हम लोग ऐसा कॉलम बनाते हैं, फिर इस कॉलम के ऊपर हम लोग एक शाफ्ट बनाते हैं और यहाँ पर हम लोग एक थ्रेडेड लीड स्क्रू देते हैं। ऐसा एक लीड स्क्रू जो हम लोग यहाँ पर देंगे, ये हमारा थ्रेडेड होगा, ये हमारा मतलब इस पर थ्रेड बनी होगी, ये थ्रेड आपकी इस तरीके से उल्टा हो गया, इस पर हमारी ऐसी थ्रेड बनी होगी। ये हमारा कहलाएगा लीड स्क्रू। इसके बाद यहां पर हम इस तरीके से लीड स्क्रू को क्लैंप कर लेंगे, देन इसके ऊपर एक हम लोग ड्रम टाइप का सिस्टम लगाएंगे, ऐसा, और ये जो ड्रम टाइप का सिस्टम हमारा होगा ये इस लीड स्क्रू से कनेक्ट होगा, मतलब ये इस तरीके से अप एंड डाउन मूव कर सकता है, अप एंड डाउन इसे हम मूव करा सकते हैं, ये इस पर यहाँ तक मैक्सिमम यहाँ तक मूव करेगा इधर, और मैक्सिमम ऊपर यहाँ तक, जहाँ तक ये हम ऐसे इसको बना देंगे, ऊपर हम लोग एक इसकी लिमिट ये डिसाइड कर देंगे। अब यहाँ से इसके ऊपर एक कवर लगा देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम यहाँ तक इधर जा सकता है और नीचे यहाँ तक जा सकता है, इसको हमने क्या कर दिया, कवर प्लेट लगा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी आर्म से हम अपने ड्रिल बिट को कनेक्ट कर देंगे। इस आर्म से हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग ऐसे इसको ड्रिल बिट को कनेक्ट कर देते हैं, इसी पे हम लोग इसमें ड्रिल बिट बनाते हैं। तो थोड़ा सा और इसको ऐसा हम लोग बनाते हैं,
मान लीजिए कि ये हमारी आर्म हो जाती है और इस आर्म से यहाँ पर हम लोग ड्रिल बिट को ऐसे फिक्स करते हैं, इसको हम लोग इससे ड्रिल बिट को ऐसे फिक्स कर दें। और ये जो आर्म हमारी होगी वो इस डायरेक्शन में चलने के लिए फ्री होगी, इस डायरेक्शन में चलने के लिए हमारी ये आर्म फ्री होगी और इसका मोमेंट हम लोग इस तरीके से इसका मोमेंट, ये हैंडल हमारी होगी, इसको हम लोग घुमाएंगे तो इस तरीके से ऐसे और ऐसे डायरेक्शन में ये मूव करेगी। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पर अपना ड्रिल बिट को लगाते हैं इस तरीके से, यहाँ पर हम लोग अपना ड्रिल बिट लगाते हैं, ऐसा ड्रिल बिट थोड़ा सा मजबूत टाइप का लगाते हैं। ये ड्रिल बिट हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने वर्क पीस को रखते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसा इसे अभी थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, हमारा जो वर्क पीस टेबल होगा वो इसी पर डिपेंड होगा। ये कुछ हम लोग ऐसा अपना वर्क टेबल बना लेते हैं, वर्क टेबल बनाएंगे फिर यहाँ पर अपने वर्क पीस को इसके ऊपर ऐसा रख देंगे। अब एक होल हमारा, देखिए ये ड्रिल बिट जो हमारा आएगा ऐसा, एक होल यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा और ये अपने एक्सिस के अबाउट ऐसा रोटेट करेगा, ऐसा रोटेट करेगा और ये ऊपर नीचे, जब ये थ्रेड हमारी ऐसे घुमाएंगे तो ये ऊपर जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन करेंगे तो ये नीचे जाएगा। तो इस तरीके के ये हमारा हो गया क्लैंपिंग डिवाइस, इसे हम लोग बोलेंगे क्लैंपिंग। और ये हमारा हो गया बेस और ये हमारा हो गया पूरा कॉलम, ये हैंडल हो गया, ये ड्रिल बिट हो गया। हैंडल हो गया, ड्रिल बिट हो गया, इसमें भी पावर सप्लाई के लिए पूरा यही फिनोमेना, ये जो मोटर वाला फिनोमेना है यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इधर ऐसी पुली बनाएंगे, यहाँ पर ऐसी पुली बनाएंगे और इसको हम लोग यहाँ पर बेल्ट के थ्रू कनेक्ट कर देंगे और उसे नीचे ले आएंगे, कहाँ तक, मोटर तक ले आएंगे और मोटर को हम लोग कहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पे एक मोटर बना लेंगे, इस तरीके से एक मोटर बना लेंगे। तो ये हमारा पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। इस पूरे ड्रिल मशीन को हम लोग बोलते हैं रेडियल ड्रिल मशीन। रेडियल का मतलब ये इस डायरेक्शन में भी वर्क करती है और इस डायरेक्शन में भी वर्क करती है, मतलब देखिए ये क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर सकती है, प्लस साथ में ये जो ड्रिल बिट होता है, ये जो हम हैंडल मूव कराएंगे तो ड्रिल बिट भी काफ़ी नीचे तक आता है, तो काफ़ी बड़े कवर एरिया को ये कवर करता है। कुछ तो इस हैंडल को घुमाने से ड्रिल बिट आपका कवर एरिया करेगा, कुछ ये क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर्म जो है इसे हम लोग आर्म बोलते हैं, ये आर्म हमारी कवर करेगी। इसमें देखिए आर्म हमारी क्या है, फिक्स है और इसमें आर्म हमारी मूवेबल है, तो आर्म मूव इन, आर्म मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल एंड, अच्छा यहाँ पे देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आर्म को हम ऐसे मूव करा सकते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जिसलिए हम क्या करेंगे, प्लेट को बिना टच किए, प्लेट को बिना डिस्टर्ब किए हम एक साथ मतलब कई होल को आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो विदाउट
reopen the job more than one whole hour produced. More than one whole hour produced. तो एक से अधिक होल को हम क्या करेंगे, बिना वर्क पीस के ओपन किए एक से अधिक होल को हम आसानी से परफॉर्म कर लेंगे। ऐसी ड्रिल मशीन को हम लोग बोलते हैं रेडियल ड्रिल मशीन। और ये हमारी क्या होती है, इसकी कैपेसिटी अधिक होती है किसके अपेक्षा, सेंसिटिव ड्रिल मशीन के अपेक्षा। ये हमारी क्या होती है, इट्स कैपेसिटी इज मोर देन सेंसिटिव ड्रिल मशीन। कैपेसिटी इज मोर देन सेंसिटिव ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन या सेंसिटिव ड्रिल मशीन से अधिक कैपेसिटी वाली होती है, इसकी स्पीड भी अधिक होती है और ये क्या करती है, मोटे प्लेट को भी आसानी से, मतलब डेप्थ ऑफ होल, लार्ज डेप्थ ऑफ होल, लार्ज डेप्थ ऑफ होल कैन बी प्रोड्यूस। इसके माध्यम से हम बड़े से बड़े होल को आसानी से प्रोड्यूस कर लेते हैं और ये हमारा हैवी बेस स्ट्रक्चर वर्टिकल कॉलम बेस होता है जिस पर हम लोग तेज़ी से मशीनिंग करते हैं। और इस तरीके से ये हमारी कंप्लीट होती है रेडियल ड्रिल मशीन। ये हमारा मेन एडवांटेज क्या था कि हैवी स्ट्रक्चर और वर्क पीस, देखें जब ये भी नीचे जाएगा ये भी नीचे जाएगा तो ये वर्क पीस बहुत ज़्यादा थिकनेस का भी होगा तो भी लॉन्ग डेप्थ को आसानी से हम अचीव कर पाएंगे। तो इस तरीके से, और इसकी स्ट्रेंथ किससे, सेंसिटिव ड्रिल मशीन से हाई होगी तो ये हमारी कहलाएगी रेडियल ड्रिल मशीन। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पोर्टेबल ड्रिल मशीन। मतलब जब हम इस प्लेट को देखें, जब हमारा घरों में अगर ज़रूरत पड़े वहाँ पर हमें ड्रिल करना हो तो ये मशीन को हम ले नहीं जा पाएंगे। ये सब लार्ज फ्लोर एरिया को कवर करेंगी और इनका वेट बहुत ज़्यादा होगा, ये एक जगह फिक्स होकर वर्किंग करती हैं, तो उस समय हम पोर्टेबल ड्रिल मशीन का उपयोग करेंगे। लेकिन वो भी केवल स्मॉल या लाइट वर्क के लिए यूज की जाती हैं। हैवी साइज का वर्क पीस कर अगर ड्रिल करना होगा तो या तो वर्क पीस को हमें लाना पड़ेगा अपने वर्कशॉप में या फिर इसी पूरी मशीन को ले जाकर वहाँ पे परमानेंटली इंस्टॉल करना होगा, तो ये हमारा होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पोर्टेबल ड्रिल मशीन। चलिए अगली ड्रिल मशीन हमारी होगी पोर्टेबल ड्रिल मशीन। इसमें क्या होगा, जब वर्कपीस को मतलब ड्रिल मशीन को अदर जगह पर ले जाकर ड्रिलिंग करना हो तो उस समय हम लोग पोर्टेबल ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। ये सिंपल सी मशीन होती है, ये कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर हमारे पास होता है मशीन का, ऐसी मशीन हमारे पास होती है और यहाँ पर जो हम लोग स्लॉट देते हैं एक हैंडल बनाने के लिए हम लोग स्लॉट देते हैं, यहाँ पर हम लोग इस तरीके का एक हैंडल बनाते हैं ताकि इस मशीन को आसानी से पकड़ा जा सके। यहाँ पर भी हम एक और यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं,
हैंडल में ही हमारा क्या होता है, स्विच कनेक्ट होता है। चलिए, ये हमारा हैंडल होता है, और हैंडल में हम स्विच को कनेक्ट कर देते हैं, हैंडल। और यहाँ पे हमारा मोटर पूरी लगी होती है, ये पूरे बॉडी पे हमारी क्या होती है, मोटर लगी होती है। यहाँ देखिए, मोटर हमारी मशीन के बाहर इंस्टॉल हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ पर मोटर मशीन के अंदर ही इंस्टॉल होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस मशीन पे देखिए, यहाँ पर हम लोग ड्रिल बिट को फिक्स करने के लिए कुछ क्लैंपिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। उसके बाद इस तरीके से हम लोग क्लैंपिंग डिवाइस का उपयोग करेंगे, और उस क्लैंपिंग डिवाइस का नाम हमारा होगा ड्रिल होल्डिंग डिवाइस। फिर यहाँ पर जब ये ड्रिल होल्डिंग डिवाइस हो जाएगा, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, इस तरीके से ड्रिल बिट को लगा देंगे। ये हमारा अब ये ड्रिल बिट लग जाएगा, देन ज़्यादा बड़ा ड्रिल बिट हो गया, अब यहाँ पर हम लोग ड्रिल बिट हमारा लग गया, तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल बिट को कनेक्ट कर देते हैं ऐसा। इस तरीके से हमारा ड्रिल बिट इसमें कनेक्ट हो जाता है। चलिए, यहाँ पर ये जो हमें सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्लैंपिंग डिवाइस होता है, इसे हम लोग क्लैंपिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं, जो ड्रिल बिट को होल्ड करता है, जिसका सिंपल सा नाम चक होता है, इसका सिंपल सा नाम होता है चक। और ये किसको पकड़ रहा है, ड्रिल को पकड़ रहा है, तो इसीलिए इसका नाम ड्रिल चक हो जाता है, और ये क्या होती है, ड्रिल बिट हो जाती है। अब यहाँ पर ये सारी जो डिवाइसेस हैं, ये जो डिवाइस आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी क्या होते हैं, यही तो हमारी सैप्ट होती है, स्पिंडल, स्पिंडल होता है। उसके बाद ये हमारी मोटर होती है, मोटर में इस तरीके से कुछ स्लॉट बने होते हैं, तो इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टेबल ड्रिल मशीन। इस मशीन का उपयोग, इट इज लाइट ड्यूटी मशीन, ये देखिए, इट इज लाइट ड्यूटी मशीन, यह हमारी लाइट ड्यूटी मशीन होती है, और इसका उपयोग हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाकर करते हैं। इट इज पोर्टेबल टाइप मशीन बिकॉज यूज इन एनीवेयर बाय इजी कैरी, आसानी से ले जाकर हम कहीं भी इसका उपयोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह तक हम ले जाकर इसका उपयोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन यह हमारी हल्की होती है, जिसलिए इसको हम लोग स्मॉल डायमीटर वर्क पीस के लिए ही यूज करते हैं। लाइट हमारा देखें, इट इज लाइट ड्यूटी होती है, सो डाया ऑफ होल इज 10 mm टू 18 mm आर प्रोड्यूस, 10 mm से 18 mm तक ही व्यास के होल को हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। जब इससे हैवी वेट को प्रोड्यूस करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो वर्क पीस को हमें अपने वर्कशॉप में लाना पड़ेगा, या इस पूरी मशीन को ही परमानेंटली ले जाकर वर्कशॉप में शिफ्ट करना होगा। तो ऐसी मशीन को हम लोग
पोर्टेबल टाइप ड्रिल मशीन कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हम कहीं भी कभी भी आसानी से कैरी कर सकते हैं। एक गन टाइप की होती है, इसका नाम लिख लीजिए इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच, तो इस तरीके से इसको हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ड्रिल मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग अब चलिए गैंग ड्रिल मशीन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास गैंग ड्रिल मशीन कैसी होती है और उसका उपयोग हम लोग कैसे वर्कपीस के लिए करते हैं। तो आइए नेक्स्ट ड्रिल मशीन हमारी होगी गैंग ड्रिल मशीन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे गैंग ड्रिल मशीन। देखिए गैंग का मतलब जब एक साथ कई सारे ड्रिल बिट हमारे वर्क करें, जैसे हमारी गैंग मिलिंग में एक साथ कई मिलिंग कटर हमारे वर्क करते थे तो उसे हम लोग गैंग मिलिंग कहते थे। सिमिलर यहाँ पर गैंग ड्रिलिंग में एक साथ, जैसे यहाँ पर देखिए एक बार में केवल एक ही ड्रिल बिट हमारा वर्क कर रहा है, यहाँ पर भी एक ही ड्रिल बिट लगा है, यहाँ पर भी एक ही ड्रिल बिट लगा है। ये अलग बात है कि इससे हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, फिर डाउन करेंगे तो यहाँ पर होल बनेगा, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर राइट ले जाएंगे, फिर नीचे करेंगे तो अलग होल बनेगा। लेकिन बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, बार बार हमें क्या मशीन को डिस्टर्बेंस करना पड़ रहा है, तो ऐसी ड्रिल मशीन हमारी सिंगल ड्रिल बिट को होल्ड कर पा रही है। लेकिन अगर हमें एक साथ कई ड्रिल बिट को होल्ड करना हो तो वहाँ पर हम लोग गैंग ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। चलिए उसमें देखिए हम लोग कैसे करते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक वर्कपीस इस तरीके का हो, एक हमारे पास ऐसा वर्कपीस हो जिसका उपयोग हम लोग ऐसा वर्कपीस बनाएं। सपोज करिए कि हमारे पास ऐसा एक वर्कपीस हो, अब इस वर्कपीस पे हमें क्या करना है, ड्रिलिंग करना है। ड्रिलिंग करना है और एक साथ कई ड्रिल होल को प्रोड्यूस करना है, मतलब एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरीके से कई ड्रिल होल को हमें प्रोड्यूस करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बेस से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। इस वर्कपीस को हम लोग पहले क्या करेंगे, एक बेस से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा ऐसे बेस से वर्कपीस हमारा कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहीं से हम एक ड्रिल बिट को ऊपर ले जाएंगे। पहले यहाँ पर एक हम लोग कॉलम बनाएंगे, इस तरीके का एक हम लोग कॉलम बनाएंगे। फिर उस कॉलम को हम लोग ऐसे बनाएंगे कि इस पे हमारी एक ड्रिल मशीन इसके साथ हमारी ऐसे कनेक्ट हो जाए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम को ऐसा, देखिए ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है इसको हम लोग ऐसा बनाएंगे कि इस पर हमारी एक साथ कई ड्रिल बिट कनेक्ट हो जाए। देखें हम क्या करेंगे, एक ड्रिल बिट यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इस तरीके से हम लोग जब ऐसी ड्रिल बिट को कनेक्ट करेंगे, देखें हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखें। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर शेप में ऐसे इसको इसके साथ हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें ड्रिल बिट को
यहां पर हम लोग लगाएंगे। यहां पर हम लोग ड्रिल बिट को लगाएंगे और यहां पर हम लोग ड्रिल बिट को लगाएंगे। अब इस ड्रिल बिट पर हम लोग क्या कर देंगे, फ्लूट दे देंगे। यहां पर भी फ्लूट दे देंगे। अब ये जब हमारा घूमेगा, देखिए ये सब सॉलिड ड्रिल क्लैंपिंग डिवाइसेस हैं। इस तरीके से ये हमारा हो गया और यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। कॉलम के बाद ये हमारा बेस हो गया, बेस के बाद ये हमारा बेस से वर्कपीस को हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है। ये हमारा हो गया वर्कपीस, वर्कपीस हो गया। अब जब हम क्या करेंगे, इसके पीछे यहाँ पर ये पावर सप्लाई को हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग ऐसे, ये हम लोग एक सिस्टम से इसको ऐसा कनेक्ट करेंगे कि सभी ड्रिल बर्स ड्रिल बिट अपने इंडिविजुअल स्पीड पर रोटेट करें। इस मशीन को हम लोग ऐसा सेट करेंगे कि ये ड्रिल बिट अपनी अलग स्पीड से रोटेट करे, ये अलग स्पीड से और ये अलग स्पीड से, इसकी अलग फीड हो, इसकी अलग फीड हो, इसकी अलग फीड हो, सब एक दूसरे से अलग अलग फीड और अलग अलग डेप्थ ऑफ कट पे हमारी वर्किंग करेंगी। तो इस तरीके से ऐसे ड्रिल बिट को हम लोग क्या बोलेंगे, गैंग ड्रिल मशीन, है ना। इन दिस ड्रिल मशीन, यहाँ पर मान लीजिए ऐसे होल हमारे प्रोड्यूस होंगे। इन दिस टाइप ऑफ ड्रिलिंग मोर देन वन ड्रिल बिट आर यूज एट वन टाइम, मोर देन वन ड्रिल मशीन, मोर देन वन ड्रिल बिट आर यूज इन सिंगल टाइम एंड प्रोड्यूस मल्टीपल होल, प्रोड्यूस मल्टीपल होल। तो एक साथ एक से अधिक ड्रिल बिट को हम लोग उपयोग करते हैं और उससे हम लोग मल्टीपल होल को बनाते हैं। और सभी ड्रिल बिट, ये जो हमारे ड्रिल बिट बने हुए हैं, सभी ड्रिल बिट हमारे क्या होते हैं, इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट होते हैं। ऑल ड्रिल बिट्स आर, ये याद रखिएगा कि सभी ऑल ड्रिल बिट्स आर इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट। इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट सभी ड्रिल बिट हमारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और सभी ड्रिल बिट की अपनी स्पेसिफिक फीड और स्पेसिफिक स्पीड होती है, है ना। इट मींस स्पीड ऑफ, स्पीड एंड फीड ऑफ ऑल ड्रिल बिट्स आर इंडिपेंडेंट। तो इस टाइप के ड्रिल मशीन को हम लोग गैंग ड्रिल मशीन के नाम से जानते हैं। अब इसका एक और सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर यहाँ पे हम लोग ड्रिलिंग टूल को बांध दें तो यहाँ ड्रिलिंग होगा, यहाँ बोरिंग टूल को बांधने तो बोरिंग होगा, रिमिंग को बांधने तो रिमिंग होगा,
मतलब एक प्लेट पर अगर हमें कई सारे वर्कआउट एक साथ करने होंगे, जैसे हमें बोरिंग भी चाहिए, ड्रिलिंग भी चाहिए, रिमिंग भी चाहिए, सिंकिंग भी चाहिए, तो इन सारे ऑपरेशन को जब हमें प्रोड्यूस कराना होगा तो हम क्या करेंगे, इस मशीन पर आसानी से प्रोड्यूस कर पाएंगे। मतलब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, इट्स एडवांटेज इज, यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, इट्स मेन एडवांटेज इज ड्रिलिंग बोरिंग रिमिंग सिंकिंग कॉमा ट्रिपेनिंग। All process are performed. All process are performed. सभी तरीके के प्रोसेस को हम इस मशीन पर आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, तो यह इसका सबसे मेन एडवांटेज होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट मशीन हम लोग स्टार्ट करते हैं, टरेट ड्रिल मशीन। टरेट ड्रिल मशीन में क्या होगा, इस मल्टीपल ड्रिल बिट को हटाकर यहाँ पर हम एक टरेट का उपयोग कर लेते हैं और उस टरेट के माध्यम से ड्रिलिंग करते हैं और उस टरेट पर अलग अलग टाइप के ड्रिल बिट को फिक्स कर देते हैं। तो ऐसे ड्रिलिंग ऑपरेशन को हम लोग टरेट ड्रिल मशीन के नाम से जानते हैं, जिसमें टरेट का उपयोग करते हैं और वो टरेट एक साथ कई सारे ड्रिल बिट को आपस में बांध कर रखता है, तो ऐसी ड्रिलिंग हमारी आसानी से हो जाती है। टरेट भी हमारी सिमिलर गैंग ड्रिल मशीन की ही तरह होती है, लेकिन उसमें हम लोग यहाँ पर एक साथ ये बांध रहे थे। चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं टरेट ड्रिल मशीन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टरेट ड्रिल मशीन। इसमें भी सिमिलर देखिए उसी तरीके का हमारा होता है। जैसे सपोज करिए हम क्या करते हैं, एक हम बेस ले लेते हैं, मान लीजिए इस तरीके का एक हमने बेस ले लिया, थोड़ा सा और डीप में ले लेते हैं। अब इस बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, वर्कपीस को होल्ड कर देंगे। अब वर्कपीस को होल्ड कर देंगे, थोड़ा सा चाहे टेपर में होल्ड कर दीजिए, इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारे पास हो ही गया इसको सपोर्ट करने के लिए। चलिए यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक हम लोग टरेट का उपयोग करेंगे। अब ये टरेट हमारी पहले वर्टिकल, ऐसे देखिए वर्टिकल एक बेस हम लोग बनाएंगे, थोड़ा सा इसे हटा देते हैं और इस तरीके का हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे देखिए इसको कनेक्ट करेंगे एक टरेट से। टरेट का मतलब ऐसा होगा, एक टरेट देखिए,
इस तरीके से हेक्सागोनल टाइप का एक टरेट हमारा होगा, हम लोग इस पे इसको फिक्स करेंगे। अब इस हेक्सागोनल टरेट की भी कुछ विड्थ होगी, ऐसे ये टरेट हमारा होगा, ऐसा होगा। इस पे हमारा क्या होगा, ड्रिल बिट बंधा होगा। ड्रिल बिट कैसे बंधा होगा, देखिए एक ड्रिल बिट हमारा यहाँ बंधा होगा, इस ड्रिल बिट पे जो हम ड्रिल इस पे जो हम लोग ड्रिलिंग करेंगे, ड्रिल बिट जो हमारा बंधा होगा, तो उसमें देखिए एक ड्रिल बिट हम लोग यहाँ पे बांध देंगे, एक यहाँ पे, चाहे ड्रिल बिट हम लोग फिक्स कर दें, चाहे रिमर टूल हम लोग फिक्स कर दें, यहाँ पर चाहे हम लोग काउंटर बोरिंग टूल फिक्स कर दें, और यहाँ पर हम लोग सिंकिंग टूल, यहाँ पर अलग टूल और यहाँ पर अलग टूल, इस तरीके से इतने टाइप के टूल को हम इसमें फिक्स कर दें। अब क्या होगा, देखें सपोज करिए एक टूल हमारा ये फिक्स हो गया, एक ये फिक्स हो गया, एक ये, एक ये, इतने टूल को हमने इसमें फिक्स कर दिया। जब हम यहाँ से इसको रोटेट कराएंगे, देखिए ये इसको हम लोग कनेक्ट करा देते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको हम लोग ऐसे टरेट को यहाँ पे ऐसे फिक्स कर देते हैं, ऐसे फिक्स कर देते हैं। अब इस टरेट को हैंडल के माध्यम से हम लोग ऐसे रोटेट कराते हैं। तो जब हम रोटेट कराएंगे, ये वाला टूल जब इसके सामने होगा और ये टूल अपनी इंडिविजुअल स्पीड से रोटेट करेगा, तो अगर ये ड्रिलिंग टूल होगा तो यहाँ पर ड्रिलिंग होगा, फिर हम टरेट को रोटेट कराएंगे, इस टूल को बिना खोले बिना ओपन किए इसे रोटेट करा दिए, ये वाला यहाँ आ गया। मान लीजिए यहाँ पे हमें रिमिंग करना है तो हम इसकी रिमिंग कर देंगे, काउंटर बोरिंग करना है तो काउंटर बोरिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हम कई सारे ऑपरेशन को आसानी से टरेट पर कर सकते हैं, मतलब बिना ड्रिल बिट को ओपन किए, ओपन और रीओपन हमें नहीं करना होगा, और फिर भी हम अपने ऑपरेशन को आसानी से परफॉर्म कर लेंगे। ऐसे ही ऑपरेशन को हम लोग टरेट ड्रिल ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। ये हमारा कॉलम होता है, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा वर्कपीस होता है, और इसी को हम लोग टरेट बोलते हैं। तो ये हमारा मेन टरेट ड्रिल मशीन का एडवांटेज होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक साथ कई ड्रिल बिट को लगा देते हैं, जो लगभग गैंग ड्रिल मशीन की तरह काम करते हैं, और इसमें आसानी से हम ड्रिलिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से टरेट ड्रिल मशीन को नोट करिए, मतलब इट इज वर्क लाइक एज ए गैंग ड्रिल मशीन। इट इज वर्क लाइक एज ए गैंग ड्रिल मशीन। उसके बाद इसमें क्या होगा, जो सभी ड्रिल बिट होंगे, देखें टरेट आर यूज टू होल्ड मोर देन देखिए इसमें 4-6 मोर देन 4 ड्रिल बिट, एक साथ 4-5-6 ड्रिल बिट को आसानी से हम इस पर होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कहलाता है टरेट ड्रिल मशीन। ये भी एक न्यूमेरिक दिस इज ए एनसी टाइप ड्रिलिंग। एनसी मतलब न्यूमेरिक कंट्रोल्ड टाइप ड्रिलिंग मशीन, और ये भी हमारा कह सकते हैं कि ये भी हमारा एक न्यूमेरिक कंट्रोल्ड टाइप ड्रिलिंग मशीन होता है। तो इसलिए इस तरीके की मशीन को हम लोग टरेट ड्रिल मशीन कहते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा टरेट ड्रिल कंप्लीट होता है। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है, टरेट में एक साथ कितने ड्रिल बिट को हम होल्ड कर सकते हैं, यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे।
अगला हमारा होता है डीप होल ड्रिल मशीन। डीप होल का मतलब जैसे बंदूक की नली वगैरह हमें बनानी हो तो वहाँ पर जो हम ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं वो हमारी कहलाती है डीप होल ड्रिल मशीन। अगर हमें गन बैरल बनाना हो, मतलब बंदूक की नली बनानी हो, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज करिए इस तरीके का हम एक सिस्टम ले लें और इस सिस्टम को हम लोग ऐसे कनेक्ट कर दें। अब इसके ऊपर यहाँ पर हम लोग एक बेस लगा दें और यहाँ पर हम लोग एक बेस लगा दें। अब दोनों बेस को हम लोग क्या करें, एक शाफ्ट से कनेक्ट कर दें। यहाँ पर मान लीजिए हम अपने वर्क पीस को होल्ड कर दें और यहाँ पर हम लोग ड्रिल बिट को ले लें। अब ये दोनों जब आपस में देखिए इस तरीके से, यहाँ पर हम ड्रिल बिट को ऐसे लें और यहाँ पर वर्क पीस को ले लें, तो अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर अंदर हाइड्रोलिक डिवाइस लगी होंगी, एक को फिक्स करेगा और एक को मूव कराएगा। इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोलिक डिवाइस लगा होता है। इस तरीके के ये हमारे सिस्टम बने होते हैं। ये हमारा इस तरीके का एक सिस्टम बना होता है। ये बेस होता है, इसे बोलते हैं बेस। अब यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं, हाइड्रोलिक ड्राइवन सिस्टम, और यहाँ हमारा टूल होता है और यहाँ हमारा वर्क पीस होता है। तो जब ये रोटेट करेगा तो इसके अंदर आसानी से ड्रिलिंग हो जाएगी। यह दो तरीके से ड्रिलिंग होता है। पूछा जाता है डीप होल ड्रिल मशीन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका उपयोग गन बैरल में किया जाता है, यूज्ड इन गन बैरल, बंदूक की नली बनाने में किया जाता है। यह दो तरीके से वर्क करता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एक्सिस में, लेकिन मोर देन हमेशा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, बट मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक्सिस यूज किया जाता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डीप होल ड्रिल मशीन आर यूज, डीप होल ड्रिल मशीन आर यूज। तो इस तरीके से इस मशीन को हम लोग डीप होल ड्रिल मशीन के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग हम लोग ज़्यादातर बंदूक की नली को बनाने में करते हैं या ट्रेवलर्स क्रैंक शाफ्ट को बनाने में करते हैं, तो इस तरीके से इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ट्रेवलर्स शाफ्ट अगर आपकी पूछी जाए तो उसमें भी बनाने में हम लोग इसको यूज करते हैं, ट्रेवलर्स शाफ्ट, ये हमारा होता है। इसमें देखिएगा इसकी जो हमारी स्पीड होती है, जो ड्रिल बिट की स्पीड होती है, वो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है लेकिन फीड इसकी कम होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये भी याद रखिएगा, स्पीड हाई और लो फीड ऑफ ड्रिल बिट। तो ड्रिल बिट में हम लोग क्या करते हैं, फीड को कम रखते हैं और स्पीड को ज़्यादा रखते हैं, तो ऐसी ड्रिलिंग मशीन हमारी कहलाती है डीप होल ड्रिल मशीन। अब एक ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन हमारी होती है। ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन का मतलब वो क्या होता है, पूरा हमारी वो ड्रिल मशीन CNC बेस्ड पर वर्क करती है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल्ड ड्रिल मशीन पर हमारी ये वर्क करती है, जिसे हम लोग ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से
हमारी लगभग लगभग हमने सारी ड्रिल मशीन को वन बाय वन डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि सभी ड्रिल मशीन का हमारा इंडिविजुअल कैसा कैसा यूज होता है और उन ड्रिल मशीन का हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है जो हम एक दूसरे के साथ यूज कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ ड्रिल मशीन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अपना लेक्चर ड्रिल मशीन का यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अभी इससे रिलेटेड कुछ हम लोग हाईलाइटेड पॉइंट हम बनाएंगे, तो जो हम लोग क्या करेंगे पूरा अलग से पढ़ लेंगे, मतलब रहेगा वो पूरा ड्रिल मशीन का ही, लेकिन उसको हमने अलग से बनाया हुआ है। इसी से रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम के हाईलाइटेड पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड हैं, तो उसको हम लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो उसी से रिलेटेड हम उसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।